तो गाइस ये जो लाइट देख रहे हैं ये है सॉफ्ट बॉक्स की लाइट, और आपको अगर दिखाते हैं सॉफ्ट बॉक्स की लाइट और घर की लाइट में अंतर, तो चलिए मैं सॉफ्ट बॉक्स की लाइट को बंद कर देता हूँ। तो गाइस ये है घर की नॉर्मल लाइट, तो आप देख सकते हैं सॉफ्ट बॉक्स की लाइट कितना रिफ्लेक्ट कर रही थी मेरे ऊपर, और ये नॉर्मल लाइट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो गाइस मेरा नाम है दीपक भट्ट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक भट्ट जापत एक्सपेरिमेंट। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं सॉफ्ट बॉक्स, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको सिर्फ एक बटर पेपर की आवश्यकता होगी और कुछ भी इसमें सामान नहीं चाहिए। तो आप देखते रहिए वीडियो के एंड तक, तो आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए आपको एक कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी और एक कच्ची पेंसिल और इस प्रकार से एक स्केल की आवश्यकता होगी। तो हम इसके ऊपर इस कच्ची पेंसिल से स्केल से माप के और ये 24 सेमी का हमने एक खींच लिया यहाँ से यहाँ तक, और इस प्रकार से इधर भी खींच लिया, और ये 7 सेमी का खींच लिया है, और इसी प्रकार ये टोटल 23 सेमी का हो गया। तो इसको हम चलिए काट लेते हैं, इसको फिर दिखाते हैं आपको किस प्रकार से। इस मैंने सिंपली सा इसको इस प्रकार से काट लिया है, आप इस कार्डबोर्ड को रद्दी वाले से खरीद के इसको इस प्रकार से काट लेना। तो इसके इसी प्रकार से 4 करने हैं और भी ज़्यादा, इसी माप के 4 टुकड़े और कर लेता हूँ मैं। तो चलिए करते हैं। गाइज मैंने कर लिए इसके 4 पीस एक समान, तो इस प्रकार से आप भी कर लेना एक जैसे। आप एक बात का ध्यान रखना कि आपकी अंगुली बचा के रखना है, मेरी अंगुली यहाँ से देखिए कट चुकी है, तो आप अपना ध्यान रखना। आप इस बात पे सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही सकते हो मेरी अंगुली के नाम पे। तो चलिए इसके लगा लेते हैं हम टेप यहाँ पे, और या फिर या ग्लूकोन से भी आप चिपका सकते हैं। तो चलिए मैं चिपका लेता हूँ। तो गाइज आप इस लास्ट वाले को चिपकाने से पहले इन तीनों को इस प्रकार से टेप की मदद से चिपका लेना। फिर आपको इस सिल्वर फॉइल को लेना है, फिर इसको इसके ऊपर से सभी को कवर कर देना है। गाइज मैंने कर लिया इसको इस प्रकार से कवर, तो ज़्यादा कोई प्रोफेशनली करने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको इस प्रकार से ही जुगाड़ लगा के ही लपेट दिया है। तो इसके नीचे जो होल रहा है उसका नाप का टुकड़ा हम कार्डबोर्ड से काट लेंगे। तो चलिए मैं काट लेता हूँ। लास्ट स्टेप में आपको करना होगा इस प्रकार से एक होल्डर ले लेना होगा, और आपको इस प्रकार से इसके ऊपर चिपका सकते हो। इसको पहले आप वायर की सहायता से इसके और तार अटैच कर दें, तो मैं चलिए तार अटैच कर देता हूँ। गाइज मैंने इसको इस प्रकार से इस होल्डर को इसके अंदर कर लिया है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने वायरिंग कर दी है और इस प्रकार से बटन भी लगा दिया है, तो इसको मैं ऑन ऑफ करके भी दिखा दूंगा। तो पहले इसके ऊपर हम इस यहाँ पर बटर पेपर लगा लेंगे, जो कि हलवाई की दुकान पे बिल्कुल फ्री में ही मिल सकता है, या फिर आपके 5 रुपये भी लग सकते हैं। तो आप मैं पहले इसके ऊपर बटर पेपर लगा लेता हूँ।